जीजू है कि सेकंड ईयर इलेक्ट्रिकल की स्टूडेंट हूँ। मेरे हिसाब से जो ये जामिया यूनिवर्सिटी में हो रहा है, बच्चों के साथ इतना दुर्व्यवहार किया जाता है, वो बहुत गलत है। उनके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हमारे देश में क्या हो रहा है कि हम जो बाहर जैन है, पारसी है, हिंदू है और सारी जो लोग हैं उनको बाहर से वापस ला रहे हैं, और मुस्लिमों के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो कैब है ये, मैं इसके बिल्कुल समर्थन में नहीं हूँ। छात्रों पर जो प्रताड़ना हुई है, जैसे कि हम पीछे देख रहे हैं कि जामिया का मामला है, या उससे पहले जब हम जेएनयू की बात करें कि जिस तरह के हायर एजुकेशन में जिस तरह के छात्र अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं या फिर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हैं तो उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, इसको आप कहाँ तक सही मानते हैं? लाठीचार्ज तो बिल्कुल, अगर उनकी मतलब हद पार हो जाती है, बच्चे अपने उसमें नहीं रहते तो उसके लिए लाठीचार्ज सही है। पर लेकिन इसमें क्या है, उसमें तो वो सिर्फ प्रदर्शन कर रहे थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले छोड़ने की क्या ज़रूरत थी? उनके साथ ऐसा व्यवहार करना बिल्कुल सही नहीं है। उसमें सिर्फ वो लोग नहीं आ रहे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसमें वो लोग भी आ रहे हैं जो प्रोटेस्ट नहीं भी कर रहे थे, ठीक है? और हॉस्टल में रहने वाला हर बंदा प्रोटेस्ट कर रहा है ये ज़रूरी नहीं है, हॉस्टल में जाके मारा जा रहा है उन्हें। एक बात बताइए, लाइब्रेरी के अंदर कौन प्रोटेस्ट कर रहा था? लाइब्रेरी के अंदर जाकर आप लाइब्रेरी का तोड़फोड़ कर रहे हो, वहाँ पर शिक्षा प्राप्त करते हैं बच्चे, वहाँ पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं बहुत सारे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गलत है। अगर आप ठीक है, आप रोड पे अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है रोड पे, आप पीटो उनको, बट लाइब्रेरी के अंदर जाकर आप मार रहे हो, हॉस्टल के अंदर जाके पीट रहे हो, हॉस्टल के अंदर कौन प्रोटेस्ट करता है बताइए मुझे। मैं ये बात कहना चाहूँगी कि प्रोटेस्ट करने का एक अपना अपना नज़रिया है। कहाँ BHU में सिर्फ नॉर्मल ढोलक के साथ प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जबकि जामिया में ही क्यों कर रहे हैं? तो ऐसा जामिया में, और जामिया में क्यों हुआ ऐसा? जामिया में क्यों हो रहा है? BHU में नॉर्मल ढोलक के साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और सेकंड बात ये, जामिया के VC ने खुद ने, आप भी देखते हैं मीडिया कि एक स्टूडेंट की डेथ हो गई, दो की हो गई, वहाँ के VC ने खुद ने बोला है कि ऐसी ये जो खबर फैला रहे हैं ये गलत है, कोई नहीं, किसी की डेथ नहीं हुई है। अब हम किस पे ट्रस्ट करें, उस VC पे या जो मीडिया दिखा रहा है उस पे? बस थैंक। आजकल तो मीडिया भी बहुत फेक हो चुकी है, फेक ही हो चुकी बिल्कुल है ना, फेक है ना, किस पे ट्रस्ट? बिल्कुल, आप VC पे या मीडिया पे, किस पे ट्रस्ट? VC का हमने भी देखा है। जिस हिसाब से लाठीचार्ज हो रहा है, आपको लगता है कि किसी की डेथ नहीं हुई होगी? जिस हिसाब से मारपीट की जा रही है सबके साथ, वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड की आप वीडियो देखिएगा, वहाँ पर उनके हाथ पैर पूरे सूज चुके हैं, आप देख सकते हैं, वो उस पर पूरा आज तक वालों ने कवर किया था उसको, आप देख नहीं, बिल्कुल देखिए। और वहाँ की VC ने दो स्टेटमेंट दी थी, एक स्टेटमेंट में वो बोल रहे हैं कि हमारे बच्चों के साथ बहुत गलत हो रहा है, और दूसरी स्टेटमेंट में वो खुद बोल रहे हैं कि हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, बच्चों के साथ जो हो रहा है ये मतलब कुछ नहीं हुआ। तो ये मीडिया भी फेक ही है इस हिसाब से, तो मीडिया ऐसा क्यों दिखा रही है कि ये हुआ है? और वहाँ की VC भी दो स्टेटमेंट कैसे दे सकता है? ये तो गलत है ना, कि मतलब वहीं के VC एक बार बता रहे हैं कि हमारे बच्चे गलत है और दूसरी बार बता रहे हैं कि हाँ ये उनके साथ नहीं हुआ है, ये तो बिल्कुल गलत बात है।